नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की एक नई वीडियो में। मैं अनुराग 10 इंस्टॉल कर रहा था अपने पीसी पे विंडोज 10 में, तो एक समस्या आ रही थी। समस्या ये है, आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इसको अगर ओके कर दूंगा तो ये एरर ख़त्म नहीं होगा। जब ख़त्म नहीं होगा तो काम कैसे बनेगा भाई? कहने का भाव ये है कि अगर ये चलेगा नहीं तो फिर कैसे काम होगा। तो वो कैसे करना है, क्या है, उस चीज़ को समझते हैं। उससे पहले बता दूं कि ये जो प्रॉब्लम है, ये फोटोशॉप CS3, फोटोशॉप 7.0 और नीचे के सॉफ्टवेयर में चलता है। CC में भी कुछ सॉफ्टवेयरों में ये काम करता है, लेकिन लेटेस्ट में नहीं काम करता है। तो ये क्यों है? वजह ये है कि बहुत सारी फाइलें सिस्टम में अवेलेबल नहीं होती है, तो उस फाइलों को कॉपी पेस्ट करना होता है, तब जाके चीज़ें काम करती है। बहरहाल, मैंने ये चीज़ कन्फर्म नहीं देखा है अभी कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों है, कैसे है। अगर हो सकता है कि मेरे काम करने के, मेरे एक्सपीरियंस से, मैंने जो चीज़ों को समझा है या जैसे देख पा रहा हूँ, जैसे करूँगा, उससे चीज़ें ठीक हो जाए, तो शायद मुझे लगता है कि चीज़ें बेहतर हो पाएगी। तो देखते हैं क्या ये जो बोल रहा है यहाँ पर, इसको कुछ और चीज़ें चाहिए, कुछ और एक्सेस चाहिए प्रोग्राम फाइल में, कुछ तो चाहिए है जो इस फाइल में नहीं है, तो वो मांग रहा है, मैं इसको प्रोवाइड करता हूँ। तो इस प्रोसेस के लिए मैंने एक फोल्डर लिया है जो अनुराग इंस्टॉल किया, और यहाँ पर दो फोल्डर आप दो नज़र आ रहे हैं आपको, क्या ये वाली फाइलें नज़र आ रही, ठीक है। शायद एक कल ये तो पैटर्न कॉपी जो लिखा है ना, पैटर्न कॉपी एरर, इस वजह से होगा शायद से, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो पैटर्न कॉपी एरर के लिए मैं क्या करूँगा, इसको सी को खोल लेता हूँ एक नए विंडो में। ये बोल रहा है कि प्रोग्राम 86 में जाओ, तो प्रोग्राम 86 है। उसके बाद बोल रहा है कि एडोब में जाओ, तो एडोब में आ गए। उसके बाद बोल रहा है एडोब फोटोशॉप CS3 में आओ, तो यहाँ पर बहुत सारे हैं, एडोब फोटोशॉप CS3 यही है बस, एक अकेला सा CS3 में आ गए, ये लो आ गए। अब यहाँ से बोल रहा है कलर पेपर 2 में आना, यहाँ कलर पेपर 2 तो है ही नहीं, कलर पेपर 2 नहीं है। तो यहाँ देखो कि ये कोई फाइल तो नहीं है जो कलर पेपर 2 के नाम से हो, नहीं है। तो अब मेरे को ढूंढना है क्या इसके अंदर, कलर पेपर 2 पैटर्न ढूंढना है, ठीक है। पैटर्न भी हो सकता है CS3 के अंदर, प्रीसेट ढूंढना है, सॉरी प्रीसेट ढूंढना है। तो प्रीसेट कहाँ है, ये है प्रीसेट। अब इसके अंदर में क्या ढूंढना है, पैटर्न ढूंढना है, ये पैटर्न आ गया। पैटर्न के अंदर में कलर पेपर 2, ये देखो कलर पेपर 1 है यहाँ, तो कलर पेपर 2 डालना है शायद से, हाँ कलर पेपर 2 डालना था, और ये डिफॉल्ट वाला ब्रश भी था, वो भी डालना था। हो गया, अब देखते हैं इसको चला के ये काम करता है कि नहीं करता है। ये तो खत्म हो गया, इसको यूज करके देखते हैं। वापस ओपन कराता हूँ, अब शायद काम हो जाए तो ठीक है, और नहीं हो पाए, हाँ अब काम हो गया। अब मैं इसको यूज करके देखता हूँ काम कर रहा भी है या नहीं कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ से मैंने ये फोल्डर दिया, और सॉरी ये फोल्डर नहीं, ये फोल्डर देना है, अरे कोई फोल्डर ले लेते हैं, इसका एक फाइल ले लेता हूँ यहाँ से, और काम कर रहा है कि नहीं देख लेंगे। तो कहने का भाव ये था मेरा, मैं इस चीज़ को क्यों बता रहा था, यहाँ पे जैसे बॉर्डर में क्लिक कर देते हैं और बॉर्डर डाल देते हैं, यहाँ से कोई भी सिलेक्ट करके यही वाला डाल देते हैं 4-6, ये हो गया बॉर्डर। तो बॉर्डर यहाँ समझ में नहीं आएगा, लेकिन बताने का भाव यही है कि काम कर रहा है सॉफ्टवेयर जो है, स्क्रीन जस्ट सॉफ्ट करने के लिए ये सब चीज़ें हैं, और लेवल वगैरह यहाँ से, कलर मेकअप वगैरह यहाँ है, बैकग्राउंड वगैरह देखना है तो यहाँ, बॉर्डर इफेक्ट्स यहाँ है, और इसका यूज़ आने वाले टाइम बताऊँगा, पर यही देखना दिखाना चाह रहा था मैं। और बताने का भाव यही था कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये काम कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है। विंडोज 10 में बहुत सारे लोगों को समस्या आ रही थी, इवन मुझे भी प्रॉब्लम आई, तो मैंने उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला, क्या क्या किया, वो सारी चीज़ें आपने देखा। एज ए मैं एक्सपेरिमेंट के तौर पर मैंने पहले भी इस टाइप की समस्याओं को सॉल्व किया हुआ है, तो वही चीज़ करने की कोशिश कर रहा था और ये कम्प्लीटली हो गया। बहरहाल, उम्मीद है कि आप सभी लोगों की वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय भीम।